नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करते हैं कास्टिंग के मेथड्स के बारे में। अपने पास में गिर नस्ल का एक नंदी है जिसको अपन गिराएंगे। गिराने की दो विधियां होती है, एक तो रिफ्यूज विधि और एक एकांतर विधि। आज अपन एकांतर और रिफ्यूज दोनों विधियों के द्वारा इस जो गिर नस्ल का ये नंदी है इसको अपन गिराते हैं। ये अपने को जरूरी है 30 से 35 फीट लंबी रस्सी की। ये अपने पास में 30 से 35 फीट लंबी रस्सी है। रस्सी पर सर्वप्रथम अपन नॉर्मल गांठ लगाएंगे, या तो नॉर्मल जो गांठ होती है नॉर्मल गांठ लगाएंगे। नॉर्मल गांठ लगाने के बाद में रस्सी को पशु की गर्दन पर डालेंगे। ये देखिए साथियों, गर्दन पर डालने के उपरांत यहां पर अपन नॉर्मल गांठ लगाएंगे ताकि पशु का गला न उठे। ये देखिए, इससे पशु का गला नहीं उठेगा। इसके पश्चात रस्सी का जो एक सिरा अपने पास में मुक्त रहा है, एक सिरे को गर्दन पर बांधते हैं, एक जो सिरा है वो अपने पास में मुक्त बचा, मुक्त सिरे को पशु के पीठ पे डालते हैं। पीठ में डालने के उपरांत रस्सी को पशु के नीचे से निकालने के बाद इस लूप से, जो लूप अपन ने ऊपर बना रखा है, लूप के यूं अंदर से लेना है। ये देखिए, लूप के अंदर से अपने को लेना है, लूप में से रस्सी को बाहर निकालना है। ये देख लीजिए, लूप को कमर पे ले जाना अपने को। ये देखिए, कमर पे ले जाने के बाद में एक लूप यहां हो गया, दूसरा लूप अपन फिर से बनाते हैं। दूसरा लूप बनाने के लिए रस्सी लिया अपन ने, रस्सी का जो मुक्त सिरा अपने पास में बचा हुआ है इस मुक्त सिरे को पीठ पे डालना है अपने को। जो लूप अपने पास में है, लूप के उसी प्रकार से, उसी विधि से, लूप के अंदर से अपने को ये जो मुक्त सिरा है इसको लेना है। ये देखो, लूप के अंदर से मैंने लिया है। अब लूप को अपन टाइट करेंगे। देखो, लूप को अपन वापस कमर के ऊपर जितना टाइट होता है उतना टाइट करते हैं। ये देखिए, ये दोनों लूप अपने यहाँ लग चुके हैं। अपन आवश्यकता पड़े तो दोनों लूप भी लगा सकते हैं, और ये एक लूप भी, ये यहाँ वाला एक लूप भी लगा सकते हैं। एक लूप लगाने पर भी पशु आसानी से गिर सकता है। ये लगाने के बाद में ये जो मुक्त सिरा है, मुक्त सिरे को अपन पीछे की ओर खींचते हैं, और साथियों अपन जिस तरफ लूप रखते हैं पशु उसी तरफ गिरता है। जिस तरफ अपन ये लूप डालते हैं उसी ओर पशु गिरेगा। ये देखिए, ये देखिए, बड़ी आसानी से ये जो अपना गिर नस्ल का नंदी है आसानी से गिर गया है। अब अपन इसके घाव की ड्रेसिंग वगैरह आसानी से कर सकते हैं। गिरने के बाद में अपन पशु को यहाँ से दबाकर कंट्रोल कर सकते हैं। कान के माध्यम से अपन ये पशु को दबाकर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो इसके जो चारों मुक्त पैर है, पैरों को अपन एक जगह बांधेंगे और आसानी से पशु को कंट्रोल कर सकते हैं। गिर नस्ल का नंदी है, इसे जो पशुओं को गिराने की, जो गिराने का जो दूसरा मेथड है एकांतर विधि से, तो एकांतर विधि के द्वारा अपन इस बछड़े को गिराते हैं। एकांतर विधि से बछड़े को गिराने के लिए उसी प्रकार से अपन को 30 से 35 फीट लंबी रस्सी के जो दोनों खुले सिरे हैं, दोनों खुलों सिरों को अपन बराबर कर लेंगे। ऊपर के जो दोनों मुक्त सिरे हैं उनको दोनों बराबर कर लेना है, और रस्सी को बराबर दो भागों में, ये देखिए, बराबर दो भागों में लेने के बाद में अपन को एक भाग को पशु के गर्दन पर डालना है। ये देखो, गर्दन पर डालने के बाद में ये जो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरों पे अपन यहां क्रॉस बनाते हुए आगे वाले पैरों के नीचे से लेते हैं। ये देखिए, नीचे से लेने के बाद में ऊपर वापस, कमर के ऊपर वापस अपन क्रॉस बनाते हैं। इधर वाले सिरे को उधर देंगे और उधर वाले सिरे को इधर देंगे। देने के बाद में जो पीछे वाले पैर हैं, पीछे वालों पैरों से बीच से लेते हुए, ये देखो, इस प्रकार से दोनों सिरों को अपन पीछे वाले पैरों से लेंगे। पकड़ो भाई, और ये जो दोनों सिरे हैं इन दोनों सिरों को यहाँ पकड़ेंगे। पकड़कर अपन जैसे ही पशु को खींचते हैं उस प्रकार से, देखो, बड़ी आसानी से पशु गिर जाता है। ये जो पशुओं को गिराने का जो मेथड है, इस मेथड का नाम है एकांतर विधि। एकांतर विधि, वो जो पहले अपन ने पशुओं को गिराया था, वो जो मेथड था उस मेथड का नाम था रिफ्यूज विधि।
तो इस प्रकार से अपन इन विधियों के द्वारा पशु को आसानी से गिरा सकते हैं। ओके।